हार्ड हिटिंग डायलॉग्स। खान अंकल अपना प्रोग्राम दो दिन की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं होएगा, दो दिन की बात करें, 20 मिनट पे आज सब आ जाए। मेरे पापा को इंडिया मोदी मारना चाहता है, मेरे पापा को बचाना है। खान आ जाए, मदद करें, आप उनकी दोस्त हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, भाई यासीन मलिक को जिस दिन सजा का प्रोनाउंस होना है वो है 25 मई। उसी दिन भाई हमारा ये जो इमरान खान है, साबिक वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का भूतपूर्व प्रधानमंत्री, इसने भी 25 मई को भाई कॉल दे रखी है और इस्लामाबाद की तरफ एक बहुत बड़ी लुंगी मार्च करने वाला है। तो ये लुंगी मार्च जो हो रही है इस इमरान खान की, ये भाई कुछ न कुछ पाकिस्तान में करके रहेगी। मैं आपको इसके ऊपर बाद में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हम पहले मुद्दे की तरफ आते हैं। तो भाई यासीन मलिक की लड़की रजिया सुल्ताना और यासीन मलिक की बीवी भैया मिशाल मलिक, इन्होंने भाई इमरान खान से रिक्वेस्ट की है कि भाई अपना ये लुंगी मार्च है, इसे आप पाकिस्तान की तरफ जो ले जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, इसकी आप डेट चेंज कर दें। भाई रिक्वेस्ट की गई है उससे कि आप डेट चेंज कर दें, क्योंकि 25 तारीख को ही हम यासीन मलिक की सजा प्रोनाउंस का जो दिन है, उस दिन हम पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, इसके ऊपर रैलियां निकालना चाहते हैं, इसके ऊपर भाई हम बाकायदा विरोध प्रदर्शन दर्ज करना चाहते हैं। ये उसने रिक्वेस्ट की है, खास तौर से उसकी लड़की ने। यानी पता नहीं बच्चों को क्यों आगे लाते हैं, लड़की हो कि लड़का हो, भाई इन बच्चों को क्यों आगे लाते हैं ये, भाई ये खुद ही मतलब जो इन्हें करना हो करें, बच्चों को भाई आगे लाने की क्या जरूरत है। लेकिन भाई ये पाकिस्तानी है, ये मानते नहीं है, क्योंकि इनकी तो कोई बात सुनता नहीं है, इसलिए मैं बच्चों को आगे कर दो और बच्चों की बातें जो है भाई दुनिया मानेगी, क्योंकि वो सिंपैथी यानी सहानुभूति क्या होती है, एराउज होती है लोगों के हार्ट्स में, और इसीलिए ये बच्चों को आगे कर देते हैं कि लो भाई आप जाओ और फलानी रिक्वेस्ट कर दो। दोस्तों आप जानते हैं कि ये कितनी रिक्वेस्ट कर रहे, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान अपनी लुंगी मार्च को पोस्टपोन करने वाला नहीं है और ना ही उसे चेंज करने वाला है। क्यों आप जानते हैं, भाई ये यासीन मलिक है जो पाकिस्तान की नाजायज औलाद, इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ पाकिस्तान, भाई पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, तो पाकिस्तान का इतना फर्ज तो बनता ही है कि भाई इसके बारे में कुछ न कुछ कहा जाए। लेकिन गलत आदमी से रिक्वेस्ट की गई है, इसकी लड़की द्वारा, रजिया सुल्ताना द्वारा, और इसकी बीवी मिशाल मलिक द्वारा, कि भाई आप 25 मार्च का जो आपकी लुंगी मार्च है उसे पोस्टपोन करके आप दो दिन आगे ले जाएं, उसे 26 या 27 तारीख कर दें, क्योंकि उस दिन यासीन मलिक के बारे में प्रोटेस्ट करेंगे। तो आपके लुंगी मार्च में जो यासीन मलिक के समर्थन में जो विरोध प्रदर्शन है वो हमारा नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। भाई वो तो बेकार होना ही होना है, कितना ही जोर लगा ले, पाकिस्तान में अब कश्मीर का जो मुद्दा है वो पाकिस्तान में अब हो चुका है बेकार, उसके लिए कोई मान रखता उसको। अब तो भाई पाकिस्तान को सीरियसली विचार करना चाहिए कि वो पीओके को कब खाली कर रहा है, एक डेडलाइन दे, एक तारीख दे हिंदुस्तान को कि भाई मैं इस तारीख को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को मैं खाली कर रहा हूं, अब तो ये विचार करना चाहिए। इधर वाला जो कश्मीर है भाई, जो इंडिया का अभिन्न हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है भाई, इसके ऊपर पाकिस्तान बात करना बंद कर दे। और भैया आप जानते हैं कि इनकी सियासत भी इसी के ऊपर चलती है, पाकिस्तानी फौज का जो वजूद है वो भी कश्मीर के ऊपर है, और पाकिस्तान आईएसआई का जो वजूद है वो भी कश्मीर के ऊपर लटका हुआ है, इसीलिए कश्मीर का मुद्दा ये हल करना चाह रहे हैं। भाई कश्मीर का मुद्दा तो 1947 में ही हल हो गया था,
अब तो थोड़ा सा हिस्सा बचा है तुम्हारे पास कश्मीर का, मुजफ्फराबाद वाला भाई, वो हिस्सा आपको इंडिया को सौंपना है, इसीलिए वो डेट दे आप। दोस्तों फिर आते हैं हम उसी वीडियो के मुद्दे के ऊपर कि इसने बड़ी सिंपैथेटिक, बड़ी रो रो करके इसने रिक्वेस्ट करवाई अपनी लड़की से, रजिया सुल्ताना से, कि भाई अपनी लुंगी मार्च को थोड़ा दो दिन आगे कर दे, जिससे कि यासीन मलिक के समर्थन में होने वाला जो विरोध प्रदर्शन है, जो प्रोटेस्ट है, जो डेमोन्स्ट्रेशन है, भाई वो जनता के सामने जाए और पाकिस्तानी जनता को हम एक और, यानी कि एक और मीठी गोली हम उसको खिला दें, हम एक और भाई चूरन की गुड़िया उसको दे दें, एक और हम तरक्की बत्ती के पीछे उसे लगा दें, भाई ये कहकर इसने रिक्वेस्ट की है। लेकिन आप जानते हैं भाई, इमरान खान किसी भी हालत में इस लुंगी मार्च को आगे करने वाला नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्या नाम है इसका, यासीन मलिक की जो बीबी है मिसाल मलिक, आप देख रहे होंगे भाई कैसे कह रही थी वीडियोस में, भाई हमें क्या थ्रेट मिलती है, रो से थ्रेट मिलती है, भाई कहां रो और कहां यासीन मलिक और कहां मिसाल मलिक, भाई आप जानते होंगे कहां राजा भोज और कहां गंगू तेरी, भाई मैं पूछ रहा हूं किस खेत की मूली है, रो के सामने किस खेत की मूली है, बार बार कहती है भाई रो की हमें धमकियां मिल रही है, रो हमें धमकी दे रही है, अरे भाई रो तेरे को धमकी क्यों देगी, तू क्या है भाई, कुछ भी नहीं है तू, रो भाई रो के सामने जीरो है भाई तू। दोस्तों आप जानते हैं कि ये रिक्वेस्ट इसकी इमरान खान ने क्या कर दी है भाई, रिजेक्ट कर दी है, और वो अपनी जो दे रखी उसने लुंगी मार्च का जो तारीख दे रखी 25 मई, उसी दिन उसकी लुंगी मार्च जाएगी पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।